अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सिर्फ आप हाँ करो नंद गोपाल जी, दोनों भाइयों को मार के उनकी लाश आपके कदमों में डाल दूं। अरे क्यों तुम लोग इसे परेशान कर रहे हो, अभी कोर्ट कचहरी करके आए। क्यों तुम लोग तंग कर रहे हो, इंसान को सोचने दो ना। करो करो। ठीक है नंद गोपाल, अब मैं चलता हूँ, तुम सोच लेना, हमें बता देना, चल। अरे ये मेरी आइटम यहाँ कैसे आ गई? ए कामाक्षी। अच्छा ये भी है। कामाक्षी इधर आ। मुनिम जी, इस कामाक्षी को एक अच्छी सी गाय देखकर दे देना, क्या समझे? हाँ अच्छी तरह समझ गया, समझ गया। बाबा माचिस है क्या, घूर क्या रहे, दो ना। कौन सी सिगरेट है? अभी तक सिगरेट जलानी नहीं आती, अब बाप कैसे बन गया? जा। नंदगोपाल जी, अभी तक आपके हिसाब से 18 गाय, 22 भैंसे, 122 बकरी और मैंने छुट्टी लेते वक्त आपने कुत्ता खरीदा था, और आपके हिसाब से तो किताब ही खत्म हो गया। मेरी क्या गलती है? देख आपने इतना ही दिया था मुझे। देख भाई, बड़े मुश्किल से सेटिंग करके बहुत ही मेहनत से कमाई हुई जमीन है ये, लेकिन ये लड़का गाय भैंस बकरी देकर मुझे बर्बाद कर देगा। मुझे डैम की समस्या भी उतनी बड़ी नहीं लग रही है जितनी बड़ी अपने बेटे की समस्या लग रही है। नंद गोपाल जी, मैं आपको एक मस्त आइडिया दूं क्या? आपका इकलौता लड़का है और नारायण साहब की इकलौती लड़की है, दोनों की जायदाद भी बराबर है, और क्या है ना डैम की समस्या भी है, तो आप दोनों में संबंध बन जाएगा ना, तो डैम की समस्या भी हल हो जाएगी और गाय भैंसे भी अपनी बच जाएगी। ये सही आइडिया है क्या? ये तो ऑलरेडी मैंने थिंक कर लिया है। हाँ। नारायण साहब ऐसे क्या देख रहे हैं, पिछले साल तलवार चाकू लाठी से लड़ने वाले आज फल फूल लेकर आपके घर में कैसे आ गए, यही सोच आपको सता रही है ना? आप तो अच्छे से जानते हैं कि इस पूरे एरिया में पैसे और जायदाद में हम दोनों बराबर के हैं। दो बराबर के लोग अगर एक दूसरे के संबंधी बन जाए तो हमारे बीच की डैम की समस्या भी आराम से सुलझ जाएगी। अभी आप डैम की समस्या के बारे में बात करने आए हैं या बेटे के संबंध की बात करने आए हैं? दोनों को मिलाकर बात करने के लिए आए हैं, यूं समझिए एक तीर से दो शिकार। सुनिए, खानदानी दुश्मनी भी हो तो उसके घर जाकर मिलना नंद गोपाल की आदत है, क्यों भाई? अगर दुश्मन भी हमारे घर आता है तो उसके मेहमान नवाजी करना हमारे खानदान की परंपरा है। नंद गोपाल जी, समधन जी चांदी के गिलास में दूध लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है उनको ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। यही खानदानी परिवार है। ए नंद गोपाल, ये चांदी का गिलास तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे दोस्त सेनाधिपति के लिए है। क्यों नारायण साहब, आपके घर में चांदी का एक ही लोटा है क्या? मेरे घर में 100 चांदी के गिलास है, लेकिन उन चांदी के गिलास में दूध पीने की हैसियत सिर्फ मेरे दोस्त सेनाधिपति के पास ही है। क्यों, हैसियत और औकात मेरे पास नहीं है क्या? तुम इस तरह अपने आप में सोच करके खुश रहो। सुनो, इज्जत और मान मर्यादा दूसरों को देनी चाहिए, इज्जत मांगने से नहीं मिलती। मैं चांदी के लोटे में दूध नहीं मांग रहा हूँ, अपने बेटे के लिए आपकी बेटी मांग रहा हूँ। सुनो, मैं अपने घर में चांदी के गिलास में दूध पिलाने के लिए इंसान की औकात देखता हूँ, और तुम मेरी बेटी से शादी कराने के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर के आए हो। तुम लड़की के बाप हो, सामान संभाल कर बात करो। तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो? मैं लड़की का बाप हूँ, मगर तुम लोग क्या कर लोगे? ये मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। हम चाहे तो तुम्हारी बेटी को उठवा कर शादी कर सकते हैं जबरदस्ती। क्या कहा तूने? रुके रुके नारायण साहब, रुके रुके। हाँ तो क्या कहा? तो इसका चमचा है क्या? क्या कर लेगा तेरी बात मानकर उसके घर जाकर लड़की का हाथ मांगा था ना, उसी की वजह से ये हाल हुआ है। ये मेरी वजह से नहीं है, ये आपने जो शनि पैदा किया है ना, अभी तो हमारा सिर्फ ये हाल हुआ है, अब आगे देखते जाइए और क्या क्या होता है। समझ, तू बिना मार खाए मर जाएगा। अरे डॉक्टर को बुलाओ कोई। चुप रहो। उस सेनाधिपति से हम सामने से लड़के नहीं जीत सकते हैं, उसे कैसे और कब कहां मारना है वो मैं जानता हूँ। अरे वो जो अपने खिलाफ थे ना, मैंने उन्हें साइड कर दिया। ओए पंडित, इन लड़कियों को यहाँ किसने छोड़ा? हाँ मैं नहीं जानता लड़कियाँ कौन है, मैंने इन्हें मंदिर के तालाब में नहाने के लिए मना भी किया था, लेकिन नहाने के लिए दंड की रकम चेक देकर मजे से नहा रही है। आप इस गांव के बड़े घर के बेटे हैं, आपको इन लड़कियों से जाकर सवाल करना चाहिए। हाँ मैं उन्हें देखता हूँ, तू मंदिर का दरवाजा बंद कर, किसी को अंदर आने मत देना। पंडित जल्दी जा। Idiot, out. ओहो, तो तू ही वो चेक बांटने वाली है। हमारे मंदिर के तालाब में नहाना मना है, जानती नहीं? हेलो,
यूजलेस फेलो, तू पढ़ा लिखा नहीं है क्या? क्या उस बोर्ड पर क्या लिखा है? यहाँ नहाना मना है, ये नहीं लिखा है। यहाँ नहाया तो 500 है, ये लिखा है पर ऑलरेडी मैं 3000 भर चुकी हूँ। जाओ, ए तुम लोग आराम से नहाओ। तुम्हारा मतलब फाइन भरने पर गलतियाँ कर सकते हैं क्या? हमारे गांव का नियम है, अगर कोई किसी लड़की की इज्जत लूटता है तो वो उससे शादी करता है। लेकिन मैं पहले तुझसे शादी करूंगा, फिर तेरी इज्जत लूटूंगा, क्यों चलेगा? ए मंगलसूत्र लेकर आ। ए पकड़ो उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मैं कहती हूँ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या यार बड़ी गर्मी हो रही है। ए भाई से, अपने सेतु को लोग मार रहे हैं, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? नहीं भाई, सेतु उनको मार रहा है। दिल करता है तुझे पानी में फेंक दूं। भाई अगर ये इंडिया का बॉर्डर होता ना और सामने वाला मुझे ललकारता ना तो मैं इसकी बैंड बजा देता है। क्यों रे, तेरे लिए फाइटिंग बॉर्डर पे करवाऊं मैं, इसी लोकेशन पर फाइटिंग कर, चल भाग। अरे गिर जाऊंगा। अबे तेरी तो। तुम लोग फाइट करोगे? किसे मारने आए हो? तुम्हें। तुम्हारा नाम क्या है? ये लो 10 रुपए रख लो, और वो जो कपड़े पहने हुए भैंसा दिख रहा है ना, उसे पानी में डाल कराओ। अरे अरे रुक जाओ। क्यों क्यों क्यों? तुम लोग क्या करने वाले हो? रुक जाओ, पानी साफ है क्या? देखो क्या, जरा ठीक से देखो ना। हाँ देखो, ये गधे खुद ही पानी में चले गए। भाई हाँ, सीरियस काम कर रहा हूँ, देखता नहीं? अरे सुनो तो सही। तुम लोग यहीं रुकना, क्या है रे? ये लड़ाई कुछ भी नहीं है। 1972 में पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, तब 100 टैंकों ने मुझे घेर लिया था। तब मैं सोचता रहा कि उन टैंकों को मारवाड़ी के पास गिरवी रख के खाना खा लेगा, यही ना? अरे चुप रहो, तुम्हारे अंदर देशभक्ति ही नहीं। अच्छा, है तू देशभक्त है, हम लोग बेकार के लोग हैं, यही ना? या आप थोड़ा साइड में खड़े रहिए। अच्छा भाई उसके बाद क्या हुआ? हाँ इसके पीछे एक लंबी कहानी, बैठो मैं सुनाता हूँ। ये क्या है? बैठो बैठो, तुम भी बैठो। तो वो क्या है ना, मुझे थोड़ी लग गई थी, तो मैं क्या है? ए नारियल दो, ये लो, ये ए ए चलो आ जाओ खा लो, चल तेरी तो। सेतु, वो लड़की पानी में गिर गई, बचाओ। सुनिए, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, ये मत समझिएगा कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। आप इस तरह पैंट शर्ट पहनोगी तो गली का कुत्ता भी गलत नजर से देखेगा।
आप औरत की तरह साड़ी पहनकर आए तो देखने वाले को हाथ जोड़ने का मन करेगा। आप साड़ी भले ही मत पहनना, पर ये बात घर में जाकर रात में सोचिएगा, है ना? टाटा।